देखिए घर के बनाए हुए गोल गप्पे कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची हैं। लेकिन आप कहोगे कि इसमें क्या नया है, गोल गप्पे तो क्रिस्पी और क्रंची ही होते हैं। लेकिन गोल गप्पे खिलाने का ये तरीका आपने यूट्यूब पर पहले कभी भी नहीं देखा होगा। गोल गप्पे के मसाले को इस तरह से हवा में उछाला जाएगा और मसाला जो है वो डायरेक्ट आपके गोल गप्पे के अंदर आएगा और फिर जाएगा गोल गप्पा आपके मुंह में। तो गोल गप्पे से ज्यादा जो ये खिलाने वाली फीलिंग है ना, ये बहुत ही मस्त है। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। आज मेरे साथ हैं मिस्टर रजत, जो कि एक होम शेफ हैं। लेकिन खाना बनाने में इनकी स्पेशलिटीज तो आप पूछिए ही मत, बहुत अलग अलग तरह का बहुत ही यमी वाला खाना बनाते हैं। और उसमें से आज एक रेसिपी ये हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो रेसिपी आज ये शेयर करने जा रहे हैं उसके पीछे इनका स्पेशल होने का सीक्रेट क्या है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मिस्टर रजत जी से पूछिए कि आज की हमारी स्पेशलिटी वाली रेसिपी कौन सी है। हाय नमस्कार, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं आज आपको गोलगप्पे बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से हम गोलगप्पे बनाते हैं, और भी एक रेडी स्टोल में जैसे हम खड़े होकर खाते हैं वही हलवाई के हाथ के। बहुत ही मुश्किल है घर पे गोलगप्पा बनाना, बल्कि आज हमको बिल्कुल आसान तरीके से और चटपटा तरीका तो तीखा और स्पाइसी गोलगप्पा बना सकेंगे, जो आप चटपट घर पे तैयार कर सकते हैं अभी कम से कम समय में। और हम आपको गोलगप्पे का स्पेशल खाने का तरीका पहले दिखाएंगे, किस अंदाज में गोलगप्पे खाना सिखाएंगे। साथ ही हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूछती हूँ मिस्टर रजत से कि आप कितने टाइम से कुकिंग कर रहे हैं। मैम कम से कम मेरे को 10-11 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 10-11 साल हो चुके हैं और अभी शायद 20 प्लस अराउंड है, मतलब ये बहुत ही छोटे थे तब से कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे फादर साहब और मदर साहब से, जो उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ घर पे काम करते हुए। मदर साहब जो किचन में काम करती है उनका अच्छा लगता है काम करना, और उसके बाद फादर साहब का जो शॉप पे काम करते थे, दोनों से अच्छा सीखने को मिला है। चलिए अब हम आपको ज्यादा देर बोर नहीं करते और अपनी जो गोल गप्पे की रेसिपी है वो शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इनका जो गोल गप्पा खिलाने का स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है। शायद आपको पूरे इंटरनेट पे वो गोलगप्पा खिलाने का स्टाइल कहीं भी नहीं मिलेगा। और साथ ही जो इस वीडियो का वॉइस ओवर है वो मैं करूंगी, क्योंकि सर जो है वो थोड़े कंफर्टेबल नहीं है। तो पूरे इंस्ट्रक्शंस मैंने इनसे लेके नोट कर लिए हैं, तो आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। रेसिपी ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके गोलगप्पे जो है वो 100% परफेक्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए आइए बिना देरी किए आज की वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, तो जैसा कि सर ने बोला है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए, क्योंकि गोल गप्पे आपको पसंद आने वाले हैं। और साथ ही हम बहुत तरह की वैरायटी का पानी बनाएंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आइए लाइक कर दीजिए और जल्दी से रेसिपी देखना शुरू कीजिए। गोल गप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ दी है एक परात, और इसमें हम डालेंगे 2 कप आटा। ये मैंने साधारण गेहूं का आटा लिया है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इसमें मिक्स करेंगे 1 कप सूजी। यहाँ आटे और सूजी का जो रेशो है वो 2:1 रहता है, यानी कि जितना आटा हम लेंगे उससे आधी सूजी लेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे। और जिस तरह से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं वैसा ही बिल्कुल नरम आटा लगाकर हमें तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूजी जो है वो बहुत पानी पीती है। तो हम जो है वो इसका नरम आटा लगाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से ही आटे को गूंदे के जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं, और अच्छा एक सॉफ्ट सा नरम सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि जब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो सूजी जो है वो अपने आप से ही पानी पी लेगी और आटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। आटे को हमने बहुत ही अच्छे से गूंद कर सॉफ्ट तैयार कर लिया है, और अब हम इसे कवर करेंगे एक गीले कपड़े से और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक हम गोलगप्पे का पानी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ 3 फ्लेवर का पानी बनाएंगे, खट्टा मीठा, तीखा और जीरे वाला। तो उसके लिए हम सबसे पहले चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल पुदीना, 1 बाउल धनिया और 5 से 7 हरी मिर्ची ली है। धनिया पुदीना को हमने साफ करके अच्छे से धोकर लिया है। तो सबसे पहले हम पुदीना को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें लगभग 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसका बहुत ही अच्छा सा प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ना हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है।
पुदीने की प्यूरी तैयार है और इसी सेम तरीके से हम अपने धनिए को भी मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसकी भी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी धनिए की प्यूरी भी तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और सेम मिक्सर जार में मैं बना रही हूँ मिर्ची की चटनी जो हम तीखे पानी में इस्तेमाल करेंगे। तो मिर्ची जो मैंने यहाँ ली है वो ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है, इसलिए मैंने 5 से 7 मिर्ची ली है। आप अपनी मिर्ची के तीखेपन के हिसाब से या जितना भी तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें भी हम आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे और एक अच्छी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारी तीनों तरह की जो चटनी है, पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी और मिर्ची की चटनी बनकर तैयार है। पानी में खट्टापन ऐड करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इमली का। तो यहाँ लगभग 250-300 ग्राम इमली है जिसे मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और अब हम इसे छान कर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें लगाई है सूप छानने वाली छन्नी और इसमें हम अपनी इमली का जो प्यूरी है उसे छान कर अलग कर लेंगे। ये अगर आपकी तैयारी पहले से हो तो आप इमली को रात भर पहले से भिगो कर रखें और अगर आप इसे इंस्टेंट भिगो रहे हैं आधा घंटा पहले तो आप इसे गर्म पानी में भिगोएं जिससे इमली जो है वो बहुत अच्छे से पूरा पल्प छोड़ देगी। और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स करके अच्छे से इसकी प्यूरी को निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ मार्केट में जो इमली का पल्प मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस केस में आप इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम यूज़ करें। तो हमारी सारी चटनियाँ और खट्टा तैयार है। तो अब हम बनाते हैं पानी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टा मीठा पानी। खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए हम एक भगोने में लेंगे 1 लीटर पानी और इसमें हम डालेंगे 6 बड़े चम्मच इमली का पल्प। मैंने यहाँ पे बड़े वाली कलछी का इस्तेमाल किया है लेकिन मैं मेजरमेंट आपको टेबलस्पून से बता रही हूँ। साथ ही हम इसमें डालेंगे 6 बड़े चम्मच चीनी। चीनी को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारी चीनी जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच धनिया की चटनी, 3 बड़े चम्मच पुदीना चटनी। साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 बड़ी चम्मच काला नमक, 1 बड़ी चम्मच भुना हुआ जीरा जिसे हमने थोड़ा दरदरा पिसा हुआ लिया है, 1 छोटी चम्मच के करीब नमक, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच जलजीरा पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इन मसालों को हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे जिससे कि कोई भी लम्ब्स नहीं रहे। ये हमारा खट्टा मीठा पानी जो है वो बनकर तैयार है और बिलीव मी ये पानी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तीनों पानी में सबसे बेस्ट जो फ्लेवर है वो मुझे इस पानी का ही लगा था और मैंने सारे गोलगप्पे सिर्फ इसी पानी के साथ ही खाए हैं और इतने गोलगप्पे खाए हैं जितने मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं खाए क्योंकि पानी बहुत डिलीशियस था। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा पानी जो हम बनाएंगे तीखा पानी। भगोने में हम लेंगे 1 लीटर पानी और इसमें हम डालेंगे 6 बड़ी चम्मच इमली का पल्प। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ी चम्मच धनिया की चटनी, 4 बड़ी चम्मच पुदीना चटनी और 3 बड़ी चम्मच हरी मिर्च की चटनी। मैंने यहाँ पे जो हरी मिर्ची इस्तेमाल की वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी। अगर आपके पास जो हरी मिर्ची है वो तीखी हो तो आप क्वांटिटी थोड़ी उसी हिसाब से ऐड करें। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच काला नमक, 1 बड़ी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जलजीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच नमक। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरह के कोई लम्ब्स नहीं रहें और यह हमारा चटपटा तीखा पानी बनकर तैयार है। तो जिन लोगों को तीखे वाले पानी के साथ गोलगप्पे खाना पसंद है वो इस पानी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम बनाएंगे अपना तीसरा और आखिरी पानी जिसे मैं बनाऊंगी जीरा फ्लेवर का। इसके लिए हमने एक भगोने में लिया है 1/2 लीटर पानी और इसमें हम डालेंगे 4 बड़ी चम्मच इमली का पल्प, 1 बड़ी चम्मच भुना हुआ जीरा और यहाँ हम जीरे का पानी बना रहे हैं इसलिए मैंने जीरे को थोड़ा मोटा दरदरा सा पिसा हुआ रखा है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच बारीक पिसा हुआ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 बड़ी चम्मच जलजीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हींग जीरा वाला पानी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का भी डाल सकते हैं।
पर मुझे हींग पसंद नहीं है तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो ये हमारा जीरा फ्लेवर का पानी भी बहुत ही मस्त सा बनकर तैयार है। तीनों तरह का पानी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ उबले हुए आलू। इसे हम हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 से 7 मीडियम साइज के आलू का यूज़ किया है। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच इमली का पल्प, साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच पुदीना चटनी, 3 बड़े चम्मच धनिया चटनी। ये सारी चटनी वही है जो हमने पानी में इस्तेमाल की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और भाई मुझे तो गोलगप्पे का मसाला प्याज के बिना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने तो इसमें खूब सारे बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड किए हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे उबले हुए काले चने, इससे गोलगप्पे के मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा आलू का मसाला भी बनकर तैयार हो गया है, तो इसे हम साइड रख देंगे। और आधा घंटा हो गया है तो हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। आटा आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि आटा हार्ड है तो आप इसमें हल्का सा पानी का हाथ लगाते हुए इसे वापस से एक बार नीड कर लें। पर मेरा जो आटा है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने इससे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है। तो हम आटे को डिवाइड कर लेंगे और इस तरह की छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। और इसे हम बराबर साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि सारे गोलगप्पे जो हैं वो एक ही साइज के बने। और ये हमने छोटी छोटी सी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। यहाँ हमने 1/2 किलो आटा और उसने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया था, तो इससे आपके 60-70 गोलगप्पे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और अब हम इन सारी लोइयों को हाथ में लेते हुए बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे और शेप में गोल कर लेंगे। और अब हम इन सारी लोइयों को बेलकर तैयार करेंगे। तो चकले को हमने हल्का सा ऑयल लगा के चिकना कर लिया है और इस पे हम जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं उस तरह से हम गोलगप्पे को बेलेंगे। और हमें इसे बहुत पतला भी नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं बेलना, और इसे चारों तरफ से एक बराबर बेलना है। अगर गोलगप्पा कहीं से मोटा हुआ कहीं से पतला हुआ तो गोलगप्पा जो है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, तो हमें इसे चारों तरफ से एक जैसा ही बेलना है। तो इस तरह से हम अपने सारे जो गोलगप्पे हैं वो बेलकर तैयार कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो एक बड़ी रोटी बेलकर उसमें से कटर का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे से गोलगप्पे एक साइज के निकाल सकते हैं, अगर आप एक एक गोलगप्पा नहीं बेलना चाहते तो। सारे गोलगप्पों को हम बेलकर एक सूती गीले कपड़े पर रख लेंगे। अगर हम गोलगप्पों को गीले कपड़े पर नहीं रखेंगे तो ये सूख जाएंगे और ये नमी में नहीं रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। और ऊपर से भी हम इसे इस तरह से एक गीले कपड़े से कवर कर देंगे। ये जो कपड़ा है वो आप सूती या मलमल का कपड़ा ही लें। इस तरह से हम अपने बाकी के गोलगप्पे भी तैयार करके गीले कपड़े पर रख लेंगे। और जब 10-15 गोलगप्पे हम बेल लेंगे तो हम इसे फ्राई करेंगे। गोलगप्पों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को बहुत ही अच्छा गर्म किया है। तेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे गोलगप्पा, और जैसे ही हम इसमें गोलगप्पा डालेंगे तो इस पे हम तेल डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज करके इसे दूसरी साइड से भी फुला लेंगे। इस पर हम छलनी की हेल्प से तेल डालते जाएंगे जिससे कि गोलगप्पा जो है वो अच्छे से फूल जाए। और इस तरह से तेल डालते हुए हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए तेल जो है वो बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए। और जैसे ही हम इसमें गोलगप्पा डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। गोलगप्पे फ्राई करने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है वो बहुत ही सही होना चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आपके गोलगप्पे जो हैं वो जल भी सकते हैं, और अगर तेल ठंडा हुआ तो आपके गोलगप्पे जो हैं वो फूलेंगे नहीं। तो तेल को जो है वो बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार में एक एक या दो दो गोलगप्पे ही तलें, और जब आपको थोड़ा सा बैलेंस समझ में आ जाए तेल का और किस तरह से गोलगप्पे फूल रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं, तो आप 3 से 4 गोलगप्पे भी एक बार में डाल सकते हैं। और अगर आप इस तरह की और भी हलवाई स्टाइल नए तरीके की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आने वाली हैं। ये देखिए कितने कुछ गोलगप्पे तो बहुत ही सुंदर गोल गोल बन रहे हैं,
और कुछ गोलगप्पे जो हैं वो अच्छे से नहीं फूल रहे हैं, तो या तो हमने उसे मोटा बेला होगा या फिर तेल का टेम्परेचर जो है वो समटाइम कम या ज़्यादा हो जाता है, तो गोलगप्पे ऐसे हो जाते हैं। इस तरह से हमने अपने सारे गोलगप्पे जो हैं वो बहुत ही अच्छे तलकर तैयार कर लिए। ये देखिए हमारे गोलगप्पे जो हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार हैं। लेकिन अगर तेल का टेम्परेचर बिगड़ जाता है तो ये देखिए इस तरह के गोलगप्पे जो है तो बहुत ही अच्छा लेकिन दूसरी साइड से मोटा है, तो ये अच्छा नहीं बना। और ये गोलगप्पा देखिए इसकी शेप इतनी लंबी हो गई क्योंकि जब मैं इसे गीले कपड़े से उठाने लगी तो कपड़ा मैंने बहुत ही गीला करके रख दिया था, तो इस वजह से उसने बहुत ही ज़्यादा नमी ले ली। जब मैं उठाने लगी तो इसकी पूरी शेप बिगड़ गई। और या फिर तेल ठंडा होता है या ज़्यादा गर्म होता है तो इस तरह की पपड़ी भी बन जाती है। पर बाकी के गोलगप्पे हमारे बहुत ही परफेक्ट बने हैं। अब हमारे गोलगप्पे भी तैयार हैं, मसाला भी तैयार है और पानी भी तैयार है, बहुत ही तो चलो फिर इसे टेस्ट करते हैं। और मैंने तो खाया भाई इन्हें स्पेशल स्टाइल में, आप भी ये स्टाइल जरूर ट्राई करें घर पे। इसमें जो है वो गोलगप्पे के मसाले को इस तरह से हवा में उछाला जाता है और गोलगप्पे के हॉल के अंदर सीधा मसाला अंदर आता है, भाई मस्त मजा आ जाता है इस तरह से हवा में उछाले गए गोलगप्पे को खाने का। आपने कभी ऐसा गोलगप्पे खिलाने का तरीका देखा है? और अगर आपने ये तरीका पहली बार देखा है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना तो जरूर बनता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी, मुझे प्लीज जरूर बताएं। भाई बहुत ही मजा आया मुझे इस तरह से गोलगप्पे खाने में, और मैंने जो है वो ट्राई भी किया इस तरह से करने का कि मैं भी इस मेथड को ट्राई करके देखती हूँ। थोड़े से कोशिशों के बाद मैं भी सक्सेसफुल हुई। तो भाई गोलगप्पे खाने के साथ साथ मैंने तो बहुत ही मजे किए इस वीडियो को शूट करते टाइम में। उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।